G20 समिट के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। कौन से देश का राष्ट्राध्यक्ष कब आएगा और कौन उन्हें रिसीव करेगा, ये जान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शाम 6:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग का आज शाम 6:55 पर दिल्ली पहुंचने का टाइम है। जनरल वीके सिंह ही उन्हें भी रिसीव करने के लिए मौजूद रहेंगे। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज दोपहर 1:20 पर आएंगे। उनकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल रिसीव करेंगे। तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अगुवाई केंद्रीय मंत्री शोभा करांधलाजे करेंगी। जापान के पीएम फुमिया किशिदा के स्वागत की जिम्मेदारी अश्विनी चौबे की है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स को भानु प्रताप सिंह रिसीव करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी ब्लिंकन का स्वागत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येवल को भी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ही रिसीव करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय रिसीव करेंगे। और वहीं पीएम मोदी ने G20 समिट में आने वाले राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी किया और इसमें वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति की जीवंत विरासत के साथ आतिथ्य सत्कार की बात कही। G20 समिट के दौरान मेहमानों के खान पान के विशेष इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए जिन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाएगा वो भी बेहद खास होगा। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं और भारत G20 समिट में आने वाले मेहमानों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। मेहमानों का खान पान ही नहीं, उन्हें परोसे जाने वाले बर्तन का भी खास ख्याल रखा गया है। भारत में आने वाले दुनिया भर के मेहमानों को चांदी और सोने के बर्तन में भोज परोसा जाएगा, जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। इन बर्तनों में जयपुर, उदयपुर, बनारस से लेकर कर्नाटक तक की नक्काशी नजर आती है, जिसे बनाने में कई दिन लगते हैं। इसमें खास तौर पर थाली, कटोरी और चम्मच शामिल है। इन बर्तनों की खास बात ये है कि ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया थीम के अंतर्गत आते हैं। मेहमानों के लिए कुल करीब 15,000 खास बर्तनों का इंतजाम किया गया है। जयपुर से ये मेहमानों के लिए स्पेशल कटलरी और नैपकिन रिंग मंगाई गई है। जिस टेबल पर बाइडेन बैठेंगे उस पर स्पेशल पेपर नैपकिन रिंग रखी जाएगी। इसके ऊपर बाइडेन का नाम भी लिखा गया है। G20 सचिवालय के अनुसार भारत मंडपम में मेहमानों के खाने में क्षेत्रीय व्यंजन, स्ट्रीट फूड और बाजरा भी शामिल होगा, जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। भारत में जिस भव्यता से G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है उसे देखकर विदेशी भी आश्चर्यचकित हैं। अगले आयोजक ब्राजील के लिए इस तरह से आयोजन कराना बहुत बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है। भारत में होने वाले G20 समिट का इंतजाम इतना शानदार है कि इसे 2008 से लेकर हुए अब तक 18 सम्मेलनों के आयोजनों में से सबसे बेहतर में शुमार किया जा रहा है। समृद्ध देश अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, मेक्सिको, रूस और ऑस्ट्रेलिया को भारत के दिव्य आयोजन ने आईना दिखा दिया है और बता दिया है कि विकासशील भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। पड़ोसी देश चीन समेत कई देशों के आयोजन स्थल तो भारत के मंडपम के आगे कहीं टिकते ही नहीं है। G20 सम्मेलन पर खर्च को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं पेश किया है, लेकिन अनुमानित तौर पर 4100 करोड़ रुपए के खर्च की बात सामने आ रही है। इस खर्च में से 98% से ज्यादा ITPO, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा सैन्य इंजीनियर सेवाएं जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अलावा केंद्र के तहत दिल्ली पुलिस, NDMC और DTA जैसी एजेंसियों ने खर्च किया है। अगले आयोजक ब्राजील के कई प्रतिनिधियों ने भारत के आयोजन की जमकर तारीफ की, साथ ही ये आशंका भी जताई है कि इतना आकर्षक आयोजन कराना एक बड़ी चुनौती है। G20 के दौरान किसी भी जरूरत के लिए हॉस्पिटल्स में भी खास तैयारियां की गई हैं। RML हॉस्पिटल में G20 के मेहमानों के लिए डेडिकेटेड नर्सिंग होम बनाया गया है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। RML हॉस्पिटल मुख्य आयोजन स्थल से काफी करीब है, ऐसे में यहाँ G20 डेलीगेशन के लिए डेडिकेटेड नर्सिंग होम स्थापित किया गया है। इस अस्पताल में किसी भी तरह के केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक की स्थिति के लिए भी स्पेशल डिकॉन्टिमिनेशन नोड की स्थापना की गई। G20 डेडिकेटेड नर्सिंग होम में VVIP डेडिकेट्स के लिए 17 वार्ड रिजर्व है।
राष्ट्राध्यक्षों के लिए दो विशेष वार्ड रिजर्व हैं। हम आपको ऐसे ही रूम नंबर 1 में लेकर चलते हैं आरएमएल हॉस्पिटल के, जो कि हेड ऑफ द स्टेट के लिए रिजर्व रखा गया है। किसी भी स्थिति में यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट को लाया जाएगा इलाज के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटअप क्या है, ये हम आपको इन तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेड है, तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, मशीनें लगी हुई हैं। आरएमएल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भी 41 बेड्स का एक पूरा फ्लोर G20 के लिए ही डेडिकेटेड है। हमारा ट्रॉमा सेंटर लगभग पूरी तरीके से G20 के डेलीगेट्स को ही देखने के लिए या उनको सेवाएं देने के लिए हमने उसको तैयार किया है।